शयन किए देखा कभी ते ही मंदिर मऊन दिखे वही। भवन एक पुनीत दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। विभ्र रूप धरी वचन सुनाए सुरत विभीषण उठित है आए। करी प्रणाम पूछी कुछ लाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। नमस्कार दोस्त, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। अब हम बालकांड पाठ समाप्त हो चुका है और हम सुंदरकांड पाठ शुरू कर चुके हैं। तो कल तक था कि वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को वह जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। कल तक यहाँ तक था। अभी जैसा आप लोग जानते ही हैं कि पाठ में ये मंदिर के लिए कर रही हूँ, ये एक शुभ काज है और इसी को पूर्ण करने के लिए मैं ये कार्य कर रही हूँ, रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ और अब मैंने ये सुंदरकांड पाठ शुरू किया है। पहले रामचरितमानस का पूरा पाठ कर चुकी हूँ मैं एक बार, और उसके बाद में मैंने बालकांड पाठ और अभी सुंदरकांड पाठ शुरू किया। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं लगी हूँ। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। उसने कहा, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत तो उसके लिए रथ के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। जब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया, उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे फिर भी रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुषवाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी आए। उन्होंने विभीषण से राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार करके अपनी ही ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए।
क्या अब हरिभक्त में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए। भीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी को मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझसे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का सुमन करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री राम जी जानकी जी जिस पर वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहाँ गए, जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया। शान दान भय और भेद दिखाकर रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीर श्री रामचंद्र जी का सुमन करके जानकी जी तिनके का पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही अब मन में समझ ले कि दुष्ट, तूने श्री रघुवीर जी के वाण की खबर नहीं है। हे रे पापी, तूने मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनों के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता ने कहा, हे दक्षग्रीव,
प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान है, सुंदर और हाथी की सूंड के समान बहुत विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेशट। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख का बोझ हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा, तब भय दानव की मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह ना माने, मेरा कहा ना माने, तो इसे तलवार निकाल कर मैं मार डालूंगा। यह कहकर राक्षस घर चला गया। वहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मोड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।